उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के उत्तर पश्चिम में स्थित जौनसार बावल अपनी विशिष्ट लोक संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। दूरदर्शन देहरादून की टीम इस बार गांव दर्शन कार्यक्रम के तहत मलेथा वो दातरु गांव की यात्रा करने जा रही है। गांव दर्शन की इस यात्रा में पहला पड़ाव है विकास नगर। यहां ना सिर्फ सजे धजे बाजार हैं, इस कारण वर्ष भर यहां चहल पहल देखी जा सकती है। यहां के लोगों का ये मुख्य बाजार भी है। विकासनगर से हम आगे बढ़ते हैं ऐतिहासिक महत्व के कालसी में। कालसी ब्लॉक मुख्यालय तो है ही, यहां सम्राट अशोक के 14 शिलालेखों में से एक उत्तर भारत का एकमात्र शिलालेख है। यमुना नदी के किनारे स्थित कालसी का अपना गौरवमय इतिहास रहा है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मगध के मौर्य वंशी सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 273 से 232 के मध्य अपनी राजज्ञा अंकित करवाई थी, जिसमें नैतिक और मानवीय सिद्धांतों का उल्लेख है। इसी कारण इसे संरक्षित स्मारकों की श्रेणी में शामिल किया गया है। देहरादून से 50 किलोमीटर दूर स्थित कालसी इसी कारण जिज्ञासुओं, पर्यटकों और शोधार्थियों के आकर्षण का केंद्र है। कालसी से आगे बढ़कर हम पहुंच गए हैं पासी स्थित महाकाली मंदिर। ये इस क्षेत्र का प्रमुख सिद्धपीठ है और क्षेत्र के लोगों की इस मंदिर और माता महाकाली के प्रति अगाध श्रद्धा है। इस मंदिर को महाभारत कालीन माना जाता है। श्री महाकाली मंदिर कालसी सिद्धपीठ है। माता की मूर्ति की स्थापना पांडव के समय पर हुई है। पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास बिताया था। राजा विराट के यहाँ जब वो अज्ञातवास में रहे थे, तभी उन्होंने यहाँ पर आकर माता की मूर्ति की स्थापना वो यहाँ पर पूजा पाठ करी थी। माता के मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों से माता के दर्शन करने कर यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। माता सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है और जो जैसी मनोकामना लेकर यहाँ पर आता है वो वैसा ही फल पाता है। कोई बच्चे की, कोई विवाह की, कोई जैसी भी कोई समस्या माता को बताता है, माँ उनकी सारे मनोरथ पूर्ण करती है। यहाँ पर एक मनोकामना सिद्ध वृक्ष भी है, जिसमें लोग चुन्नी या धागा बांधकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो धागा चुन्नी खोलकर माता को भंडारा, नारियल, प्रसाद इत्यादि माता को चढ़ाते हैं। शनिवार इतवार को यहाँ पर भंडारा, माता का भंडारा होता है। लोग भंडारा करते हैं,
लोगों को प्रसाद खिलाते हैं और अपने मनोरथ पूर्ण करते हैं। कालसी से आगे सहिया में ही जौनसार के महान पराक्रमी योद्धा नंदराम नेगी गुलदार की प्रतिमा स्थापित की गई है। नंदराम नेगी ने सिरमौर की सेना की ओर से युद्ध करते हुए मुगल सूबेदार का सिर कलम कर दिया था। मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्होंने ये पराक्रम दिखाया। सिरमौर नरेश ने उन्हें पुरस्कार स्वरूप कालसी की जागीर भेंट की थी। उनकी स्मृति में आज भी क्षेत्र में हारुल गीत गाए जाते हैं। महान योद्धा नंदराम नेगी की प्रतिमा सहिया मंडी के प्रवेश द्वार पर स्थापित कर इसे शौर्य स्थल नाम दिया गया है। सहिया स्थानीय कृषकों की उपज का मुख्य केंद्र है। दूर दूर से किसान यहां अपनी नकदी फसलें लेकर आते हैं। वैसे मुख्य मंडी विकास नगर है, किंतु ज्यादातर किसान सहिया में ही अपना उपज बेचते हैं। सहिया इस क्षेत्र का मुख्य बाजार भी है। यहां लोग अपनी जरूरत की वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। विकास नगर चक्राता मार्ग से थोड़ा हटकर हम अपने गंतव्य मलेथा गांव पहुंच चुके हैं। हरे भरे खेत, आधुनिक शैली से बने भवन और अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त ग्रामीण शहरी चकाचौंध से दूर शांत मनोरम वातावरण में जीवन यापन कर रहे हैं। ग्रामीणों की पारंपरिक वेशभूषा, स्थानीय वाद्य यंत्र, नृत्य संगीत जौनसार को विशिष्टता प्रदान करती है। नूनाई, बिसु, दशहरा, दीपावली, माघ उत्सव यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं। कालसी प्रखंड का ये गांव ग्रामीणों की कर्मठता और परिश्रम की बांगी पेश करता है। अदरक, सरसों, अरबी, हल्दी, मटर, प्याज, बीन्स, लहसुन, बैंगन, राई, पालक, पहाड़ी करेला, लिम्बा, अमरूद, केला, तमाम तरह की नकदी फसलें गांव में खूब उगाई जाती है। साथ ही पशुपालन भी लोगों की आर्थिकी को मजबूत करता है। गाय, भैंस और बकरी पालन यहाँ सदियों से हो रहा है। ग्रामीण मानते हैं कि नमक और गुड़ के अलावा बाकी सारी चीजें वे खुद उगाते हैं। निसंदेह आत्मनिर्भरता की दृष्टि से मलेथा के किसान एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हमारे यहाँ जैसे
मटर है, लहसुन है, प्याज है और अदरक है, अरबी है और हल्दी है, मतलब सारा मक्का, धान, मंडुआ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, केवल एक नमक और गन्ना छोड़ के, बाकी ए टू जेड। अगर हमारे कोई पहाड़ी क्षेत्र में अगर खेती कर रहे हो तो मैं किसान भाइयों को यही कहूँगा कि अपने खेती पर विशेष ध्यान दो, क्यों कि हमें दो ही चीज़ें ला ली है, खाली नमक और गुड़, ये चीज़ें हमें लानी पड़ती है। और हम लोग जो है गांव में, जैसे काश्तकार, हम लोग काश्तकारी करते हैं, तो अब तो दिक्कत भी गांव में ऐसी नहीं रही काश्तकारी करने के लिए कि घर घर गाड़ियां आ रही, जो सुविधा हमारे जो प्लान में थी वही सुविधा आज के तारीख में हर गांव में है, क्योंकि गांव में भी कोई दिक्कत नहीं है। जो जेंट्स या लेडीज या कोई भी लड़की गांव में रह रही है उनके लिए कपड़े धोने के लिए सब ने मशीनें ला रखी, गीजर है सबके पास, और जो है क्या है कि टीवी है, फ्रिज है, सब कुछ, घर घर गाड़ियाँ आ रही। और हमारे जो पशु है, पशु भी हमारे ये है कि भाई अभी जैसे पशु है तो हमने खोल दिए, बकरियाँ जैसे अभी बकरियाँ खोल दी तो वो अपना जो है खा पी करके शाम को ले आएंगे, ढक देंगे। जैसे हमारे पास भैंसे हैं, भैंसे भी पहले तो दो दो तीन तीन होती थी, लेकिन एक एक भैंस तो आज भी ये है कि एक एक भैंस तो आज भी हर घर में जो है एक एक भैंस आज भी जो है दूध देने वाली भैंस है। मलेथा गाँव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय है। शिक्षा व्यवस्था के प्रति शिक्षक से बेहतर कौन बता सकता है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हमारे यहाँ कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई करवाई जाती है और प्रतिदिन विद्यालय में MDM बनता है और MDM मेन्यू के अनुसार बनता है, जैसे सोमवार को क्या के अरहर मलका बनती है और क्या के मंगलवार को कड़ी चावल बनती है, बुधवार को उड़द चना चावल, और इसी प्रकार से जो है निरंतर मेनू के हिसाब से हम लोग जो है MDM बनाते हैं। और हफ्ते में एक दिन हम लोग जो है अतिरिक्त पोषण के रूप में जो है बच्चों को कभी हलवा, खीर और क्या के कभी फल फ्रूट लाते हैं, कभी अंडा बनाते हैं, अधिकतर अंडा और क्या के गुड़, चना, मूंगफली, इस प्रकार से हम अतिरिक्त पोषण के रूप में बच्चों को देते हैं। और हमारे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में जो है कक्षा 1 और 2 के बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय पढ़ाए जाते हैं और 3, 4, 5 के बच्चों को हिंदी, गणित, अंग्रेजी और एनवायरनमेंट और संस्कृत पढ़ाए जाते हैं। और एक हमारे यहाँ पे क्या कहें, जैसे नवोदय विद्यालयों की तैयारी करवाई जाती है बच्चों से, जो कक्षा 5 में जो बच्चे अध्ययनरत रहते हैं उनसे हम जो है जितने भी हमारे राजीव और जवाहर नवोदय और इस प्रकार से जितने भी ये विद्यालय हैं आवासीय विद्यालय, उसकी तैयारी भी हमारे यहाँ करवाई जाती है। बाकी यहाँ पे गाँव वालों का सहयोग हमें मिलता रहता है। मलेथा गांव में पत्थर यानी सलेट की छत वाले मकान अब गिनती के रह गए हैं। ज्यादातर घर सीमेंट कंक्रीट से आधुनिक शैली में बने हैं, किंतु लोगों ने अपनी परंपराएं, संस्कृति और दिनचर्या नहीं छोड़ी है। हमारे ये पहले दिवालियां तो अभी 20 को तैयार हैं, तो बीच का त्यौहार मुझ भी हमारे बाबर और लाडू मन बाण हलवा पूरिया बाण, तो पची हमारे जनसारी त्यौहार पेरा तो पीनुआ बाण हमारे उलुए भी बाण पीनुए बाण और उलुए बाण हैं
तेते बाद हमारे पैर कोदो नेटाणा तब मोंडवा बोना तब मतलब कोदो गोडो क्यारी गला हैं और तो पैर नेटाण जोड़ा तो बाण ना जैसे बाण ना किच मौसम माची सब बनाना सारे लोग सब बातियार बार में तो हेला मेला लागू हमारे गाँव का। रोजमर्रा की दिनचर्या से समय निकालकर ग्रामीणों द्वारा अपने आमोद प्रमोद की अभिव्यक्ति सहजी देखी जा सकती है। संपूर्ण जौनसार किसी पराक्रमी वीर योद्धा की स्मृति में गाए जाने वाला हारुल गीत पूर्वजों का स्मरण कराता है। इस दृष्टि से ग्रामीण महिलाएं हारुल गीत के जरिए पूर्वजों का न सिर्फ स्मरण कराती हैं, बल्कि नई पीढ़ी को उनके पराक्रम का बोध भी कराती है। मलेथा गांव में आधुनिकता बेशक दबे पांव आई हो, किंतु पारंपरिक घरों को भी ग्रामीणों ने संजो कर रखा है। इन घरों की बनावट न सिर्फ बेमिसाल है, बल्कि उनके दरवाजे जिज्ञासा से भर देते हैं। भगवान महासु संपूर्ण जौनसार के आराध्य देव हैं। यहाँ बिसु व अन्य आदि त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें लोग स्त्रियां और पुरुष अपनी वेशभूषा पहनकर हारुल गीत गाते हैं। चौड़ा की पारंपरिक वेशभूषा में सजे पुरुष और अपने पारंपरिक परिधान में सजी महिलाएं जब गीत संगीत की प्रस्तुति देती हैं, तो वो दृश्य देखते ही बनता है। यही लोकगीत व संगीत का संगम जौनसार की विशिष्ट संस्कृति को अलग पहचान प्रदान करता है। यहाँ त्योहार में देर रात तक नृत्य गायन वादन के साथ चलता है। इस दौरान कुछ लोग विदुषक की भूमिका भी निभाते हैं, मनोरंजन का एक उपंग है। किंतु जौनसार बाबर की विशेष पोशाक जुड़े में सजे पुरुषों के नृत्य की छटा देखते ही बनती है।
नृत्य की इस विधा को हारुल जिन्था व जंगबाजी कहा जाता है, जबकि महिलाओं का पंक्तिबद्ध होकर तांदी गायन भाव विभोर करता है। जौनसार बावर में दिवाली, बिसु के अलावा अन्य त्योहार मनाए जाते हैं। इस दौरान लोग एक दूसरे के घर में जाकर पारंपरिक पकवानों का मिलजुल कर आनंद उठाते हैं। हमारा जो त्यौहार हो दिवाली भी हो, होली भी हो और रक्षाबंधन भी हो, सारे हो, तो हमारा जो दिवाली को त्यौहार हो मतलब सबसे महत्वपूर्ण हो। हमारे बड़े बड़े आगे जला में छोटे छोटे थे, तो दिवाली मुझ दीदियाँ होती, पुपियाँ होती, बांटे भी ले जाओ थे, तो हम रिश्तेदारी मुझ भी जाओ थे फूडे, तो जब हम फूडे जाओ थे तब देखे हम सीखों भी थे कि समाज का पोता भी रोता भाई को के हमारी पुपिया को कह दीदिया। हमारे जो ये त्यौहार है ये आपसी भाईचारे वाले त्यौहार है, सभी लोग इसी तरह ही गाँव वाले मिल बांट कर अपनी खुशियाँ दुख सारे बांटते हैं, एक दूसरे के यहाँ खाना पीना इसको हेल्ले का रूप दिया जाता है, तो सारा जो है ना ताकि बाहर वाले भी आए, सबकी कोशिश यही रहती है, नौकरी वालों की भी, बाहर वालों की भी, हम यहाँ आके गांव में आके लोगों के बीच बैठ के अपने सुख दुख अपने अनुभव को बांटें। जेंट्स का अलग हेला लगता है, जो हमारी लेडीज हैं वो अपने अलग समूह में चलती है और उनका भी अपना जो है ना अपने सुख दुख को भी अपनी जो कहानियाँ हैं अपने उसमें बैठ के सारे भाईचारे की बातें करती है। हर परिवार में जाते हैं, चाय पानी जो भी कुछ हमारे व्यंजन बनते हैं सब खाते हैं आपस में, और इस तरह ही हमारा भाईचारा हमेशा बना रहे। ढोल, दमाऊं, रणसिंघा, वाद्य यंत्रों का उल्लेख ना हो तो बात अधूरी मानी जाएगी। जौनसार के कण कण में उत्सव इन्हीं वाद्य यंत्रों की गूंज से पूरी मानी जाती है। दर्शकों,
जौनसार बावर के इस सुंदर वादियों में बसे सुंदर रमणीक और संपन्न मलेथा गांव की ये थी हमारी यात्रा। आपको गांव दर्शन की यह कड़ी कैसी लगी? अगली बार किसी और गांव के लोक जीवन से साक्षात्कार तक हम आपसे विदा लेते हैं।